भाई इसकी स्पोर्ट्स है i20 की। अच्छा i20 की सीट्स हैं इसकी, तो ये भी अपना पंजाब से लगवाई थी भाई। ये देख लो आप कितना ज्यादा स्पेस है इसमें, लगभग 3-4 बंदे आराम से निकल जाएंगे इसमें। दो इसके नीचे हैं, दो हो गए चार और एक हो गए पांच। पांच एम्प इसमें लग रहा है गाड़ी में, मेरे ख्याल से 12-13 लाख रुपए लग रहे होंगे, फिर भी भाई ऊपर ही होंगे, मैं कम ही बता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अर्चेंस। यार कैसे हैं आप सब, होप करता हूं सब ठीक हैं। तो यार आज हमारे साथ वीडियो में जुड़ चुकी है अपनी भाई पुरानी वाली थार, और भाई इसे हम इंडिया की जीप रैंगलर भी बोल सकते हैं। जैसे कि भाई आप गाड़ी का एक बार ओवरव्यू देखो, भाई ने नेक्स्ट लेवल काम कराया हुआ है, और भाई इसका जो सिस्टम है ना वो एक नंबर है भाई। पुरानी थार बहुत देखी होंगी लेकिन इसके जैसी नहीं देखी। भाई ने जो मोस्टली काम कराया हुआ है वो पंजाब से कराया हुआ है, तो पूरी की पूरी डिटेल्ड में आपको बताने वाले हैं वीडियो के अंदर भाई ने क्या क्या काम कहाँ कहाँ से कराया हुआ है और अब तक इसमें कितने पैसे लगा दिए। तो चलो एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आज की वीडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ भाई। सौरभ भाई कैसे हो? बस भाई बढ़िया। तो भाई का इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भाई ज्यादा रील्स डालते नहीं है गाड़ी की, भाई उसका कोई रीजन है या मनी नहीं करता? भाई यार मनी नहीं करता नहीं, जैसे कि आपने बहुत कम देखी होगी भाई, गाड़ी है ही नहीं सोशल मीडिया पे। अभी भी आए थे भाई तरुण नाम को करके लेके गया, तो मैं डालते नहीं वीडियो। अच्छा डालते ही नहीं है भाई। वैसे भाई का अपना खुद का जिम है यहीं पे, तो भाई इसमें जो ज्यादातर मोस्टली काम कराया है वो सुनने मारा पंजाब से कराया आपने? जलंधर से, बिग डैडी। बिग डैडी से कराया। और अच्छा उसका लोगो मैं आपको दिखाता हूँ, भैया ने यहाँ पे लगवाया हुआ है, देखो वो लगा के देते हैं वैसे भी, ये देखो। तो भाई उसका क्या रीजन रहा यहाँ पे दिल्ली में करोल बाग में, समझ नहीं आया? नहीं समझ में नहीं आया, फिर वो काम होता भी नहीं यहाँ पे। अच्छा तो भाई भैया ने जो काम कराया वो पूरा का पूरा दिखाने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो भैया बात कर लेते हैं कि अपनी गाड़ी का मॉडल कौन सा है? 2015 मॉडल है। तो भाई नई ली थी जब ही? बिल्कुल नहीं। और जब भी भाई मॉडिफिकेशन का ऐसा शौक है, मतलब भाई कुछ बंदे होते हैं ना, मतलब बहुत ऐसी गाड़ियां हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो जिन्होंने मॉडिफाई करा रखी है पर सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो भाई फ्रंट में आओ, फ्रंट में बताओ इसमें क्या क्या चीज चेंज करा रखी है? फ्रंट में बम्पर है, ठीक है, बम्पर है, लाइट है, ग्रिल है। ये तो मुझे लगता है रेंगलर वाले हैं, जीप वाले भाई। जीप रेंगलर वाले, तो ये पूरा ही चेंज कराया होगा भाई ये बोनट? नहीं, ये तो पुराना है। अच्छा पुराना है। अच्छा लाइटें आगे, ठीक है, ये दो लाइट अपनी सारी एलईडी लाइट है। हाँ। तो ये कितने भी लाइट है? अच्छा ऊपर भी लाइट लगवाई हुई है, वो हमर वाली लाइट है। अच्छा अच्छा तो ये कितने वॉट की है अपनी? ये तो भाई मुझे आईडिया नहीं कितनी वॉट की, लेकिन ठीक है मेरे ख्याल से 80 वॉट के आसपास होगी। अच्छा 80 से 100 वॉट के करीब है। अच्छा और ये नीचे भी, यहाँ पे भी है। अच्छा तो ये अपने जलंधर से कराई है लाइट वाइट भी? सब कुछ भाई जलंधर से कराया है, सब कुछ ए टू जेड काम इसमें वहीं से कराया है। अच्छा तो अगर अकॉर्डिंग कराया काम अपने अकॉर्डिंग, मतलब उनको बताया कैसे करना है? मुझे गाड़ी ऐसी चाहिए, वो तो कह रहे थे छोड़ जाऊंगा अपनी तरफ से कर देंगे, मन के नहीं, मुझे अपनी मर्जी का काम चाहिए। और अगर मैंने इसकी छत छोटी भी करा रखी है, इतनी छत छोटी किसी थार की नहीं मिलेगी। हाँ अगर आप हाइट देखो यहाँ से, अपने यहाँ से फुटरेस्ट से अगर छत की, तो ये काफी ज्यादा छोटी है। देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, इससे क्या है गाड़ी की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा लगती है, और भाई ने इसलिए भी इसमें अलॉय का जो साइज है वो कम गिरवा रखा है, 15 इंची है। तो एक बार अगर मैं आपको इसकी प्रोफाइल बताऊँ, तो ये है अपना
295/15 इंच के हैं इसमें अलॉय व्हील्स और मैक्सिस के टायर डलवाए हुए हैं। टायर और रिम काफी पुराने हो चुके हैं। अच्छा हाँ। तो ये चेंज कराओगे अभी? अब देखो या तो सेल करूंगा गाड़ी को, काफी अच्छा। हो गए 8 साल, या फिर चेंज ही कराऊंगा। देखने का मन तो है नहीं गाड़ी का, मतलब भाई इतना वो पैसे लगा के और अपने पसंद से गाड़ी बनवाई है तो मन नहीं करता ज्यादा। वो भी जब रोड पे जाती है तो पब्लिक मुड़ मुड़ के देखती है। अभी आप पब्लिक रिएक्शन अगर नोटिस करोगे ना, मतलब भाई अभी हम बैठ के आया था, पब्लिक देख रही थी, एक बंदे के पास रेंगलर है वो भी भाई मुड़ के देख रहा था भाई की गाड़ी को, इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन कराई है। और भाई ने ये अपना गिलास भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा डलवाया हुआ। आप बड़ा गिलास है? हाँ, ये नई वाली छोड़ो, पुरानी वाली में भी किसी में भी नहीं है ये। देखो आप भाई, अच्छा टैंक भी देखो, ये जी जी जीप वाला है। हाँ, चाबी की जरूरत नहीं है, चाबी की जरूरत नहीं है। नहीं, अब जो थार आती है उसमें भी चाबी की जरूरत है। और इसका पीछे का गेट अप लुक तो बहुत ही खतरनाक है। ये देखो भाई, आप मतलब 20 थार लग रही है, एक नंबर। और भाई अपना जो नंबर है 00057, ये भी अपना VIP नंबर है। तो इसकी क्या कॉस्टिंग है भैया नंबर की? भाई मेरे ख्याल से उस टाइम पे तो मैंने बहुत सस्ता लिया था, मेरे स्कॉर्पियो पे था 2005 से मेरे पास। अच्छा, अब तो इसकी होगी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। तो अपना जब गाड़ी सेल करोगे तो नंबर सेल थोड़ी नहीं, करो नहीं, नंबर तो फिर वापस लोगे, नंबर तो वापस लोगे। मतलब भाई अगर किसी बंदे को ये गाड़ी चाहिए तो भाई सेल कर रहे हैं, बाकी भाई की नीचे मैं आईडी डाल दूंगा, भाई को आप DM कर लेना, पूछ लेना क्या है। लेकिन अभी सेल नहीं करूंगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर सेल कर रहे हैं, अभी सेल नहीं कर रहे हैं भाई, प्री बुकिंग स्टार्ट, बुक कर दो। पीछे की लाइट भी जीप रेंगलर वाली लाइट लगवाई हुई है तो ये इसके हैंडल भी। हाँ, पर ये खुलता नहीं है क्योंकि अंदर सिस्टम लगवाया हुआ है। खुल जाता है, अंदर से लॉक करा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब फिर वो है सिस्टम थोड़ा सा, हाँ। वो जाएगा डिसबैलेंस शायद, ऐसा कुछ है। जीप रेंगलर वाले भाई साइड मिरर है, साइड मिरर है बहुत बड़े बड़े, ये देख सकते हो आप। ये अपने डोर हैंडल भी चेंज कराए हुए हैं, तो ये अपना इस तरह से। तो ये तो मुझे लगता है भाई जी वैगन में भी आते हैं कुछ इस तरह से अंदर पर, जी वैगन में भी आते हैं। ठीक है, तो आपने लोगों ने जैसे कि देखा भाई एक्सटीरियर आपको दिखा दिया, लेकिन ये देखो आप ऊपर एक बार सनरूफ भी भाई ने लगवाई हुई है, तो ये आपको इंटीरियर में दिखाएंगे। चलो भाई एक बार अंदर बैठते हैं, अंदर से बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ चेंज करा रखी है। तो ये देखो एक बार ऐसे, और ये देखो भाई ने डोर में भी अपने मिड लगवाए हुए हैं, और पावर विंडो भी लगवा रखी है भाई। हाँ, पावर विंडो भी है भाई। अच्छा, तो अपने उस तरफ दो लगवा रखे हैं, एक है भाई, दो मिड वहाँ पे है। हाँ, दो मिड यहाँ पे है, एक सेंट्रल स्पीकर ये रहा। ठीक है, और अपने दो ईयर ट्यूटर आपके देख रहे हो, चार ट्यूटर है, दो उस तरफ दो इस तरफ, एक इस तरफ एक उस तरफ, और दो ये अपने लगे हुए हैं, चार ट्यूटर भाई ने लगवाए हुए हैं। ट्यूटर पीछे भी है भाई, पीछे भी है। चलो एक बार आपको इंटीरियर दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको सिस्टम। भाई इंटीरियर में क्या काम करा रखा है? भाई इंटीरियर में सबसे पहले तो इसका डैशबोर्ड चेंज है, डैशबोर्ड है वही पुराना ही, लेकिन इसकी जो एसी की हवा थी वो आती नहीं थी, वो मैंने भाई मॉडिफाई करा है। ये मैंने आजाद वाले पे करवाया था काम। अच्छा, ये आजाद कराया था दिल्ली। हाँ, इसमें पहले स्टीरियो नीचे लगता था, ये भी मैंने यहाँ लगवाया, ये भी आजाद वाले से करवाया था। अच्छा, दो जगह से काम कराया पहले? छोटा मोटा आजाद से कराया था पहले। अच्छा, 1.5 लाख रुपए आजाद के पास लगाए थे मैंने। अच्छा अच्छा, और आप देख रहे नीचे कॉकपिट वाले बटन है जो प्लेन में होते हैं, लाइट वाइट। ये देखो भाई, मतलब एरोप्लेन वाले बटन लगवा रखे हैं भाई ने नीचे अपने लाइटिंग के लिए, लाइट जो अपने लाइट के लिए। अच्छा अच्छा, और ज्यादा कुछ चेंज कराया है? रूफ भी आप मुझे देख लो भाई। हाँ, देख लो हाइट इसकी। ये देखो भाई हाइट, आप देख सकते हो सौरभ भाई हाइट देख लो कितनी, मतलब ये छोटी कराई है जिससे गाड़ी जो है बहुत ही तगड़ा लुक दे रही है। और ये अपनी सनरूफ लगवाई हुई भाई ने, भाई आराम से मुझे लगता है 3-4 बंदे निकल जाएंगे आराम से भाई, चार बंदे आराम से निकल जाएंगे बिल्कुल भाई। देखो भाई, तो ये भाई वहीं पे कराई थी जलंधर, ये जलंधर हो गया ये। अच्छा अच्छा, हाँ, और ये अपना सिस्टम लगवाया हुआ है। भाई एक बार गाड़ी स्टार्ट करो, एक बार दिखाते हैं अपने क्या इसका आउटपुट होने वाला है और कितना जबरदस्त है। तो एक बार आपको दिखाते हैं भाई म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट, उसके बाद आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज लगवा रखी है। तो भाई एक बार गाना चला के दिखाओ। जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट एक नंबर है। तो भाई इसमें क्या क्या चीज लगवा रखी है? भाई इसमें आपका स्टीरियो पाइनर का है। ठीक है भाई, ठीक है, आपकी सीट के नीचे डिकॉर्डर लगा हुआ है इसमें पाइनर की। अच्छा, और आप देख सकते हो भाई दो मोनो एमपी है जिससे बूफर चल रहे हैं, एक बूफर की पावर 1700 RMS है। अच्छा हाँ जी,
यानी कि 3400 RMS मेरी वो है और दो मोनो एम्प लगा, दो मोनो एम्प है, एक उस पे एक बूफर है एम्प पे। अच्छा एक, अच्छा एक भाई चैनल ये लग रहा बड़ा, आप देख लो बहुत ये, बड़ा एम्प है ये, 6 चैनल का एम्प है। हाँ, ये बहुत बड़ा है, इससे सारे स्पीकर चल रहे हैं और अच्छा। कोई ट्रिप नहीं मार रहा, बहुत बढ़िया चल रहे हैं और 2 एम्प भाई मेरी सीट के नीचे है। अच्छा, तो 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 2 इसके नीचे है, 2 वो हो गए, 4 और 1 हो गए, 5 5 एम्प लगे हुए हैं और अपना ही बूफर है, 2 बूफर 17 वाट से 1 बूफर की पावर और एक बैटरी है आपके पीछे रॉकेट बैटरी। अच्छा अच्छा, हाँ ये रही भाई, इसके कवर के अंदर है, इसके इस हाँ। कवर के अंदर है रॉकेट, आप वायरिंग भी देख रहे हो भाई, वायरिंग कितनी हैवी वायरिंग है, मतलब भाई पंजाब से काम करा, एक नंबर काम क्या है पंजाब वाला, सिस्टम वाला काम तो भाई दिल्ली से हुआ है। अच्छा, मेरे एक भाई है काले, वो कराता है सिस्टम का काम मेरा। अच्छा अच्छा, मतलब ये दिल्ली से कराया भाई ने, दिल्ली तो ये भाई ने कराया दिल्ली से। और अभी हम आ चुके हैं भाई गाड़ी के पीछे, तो भाई ये देखो सनरूफ, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी तो भाई मैं इकला बंदा निकला हुआ हूँ, अभी देखना आप, ये देख लो आप कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें, लगभग 3-4 बंदे आराम से निकल जाएंगे इसमें, और इसमें 2 ही सीटें बस ये एक्सटर्नल यहाँ पे लगवाई हुई है, ये बैटरी है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर बैटरी, जैसे कि भाई बता रहे हैं बैटरी के ऊपर बैठा हूँ मैं। तो भाई ये भी अपना, ये मेन चीज़ ये कराई थी वहाँ से जलंधर पंजाब से, बॉडी का काम। हाँ, सारा बॉडी का काम कराया था वहाँ से। अच्छा, ये देख लो भाई आप कितना डेयरिंग तक दे रही है गाड़ी, भाई पीछे से स्पीकर भाई लगवा रखे हैं और भाई तकड़ी आवाज़ आती है, एक नंबर। तो भाई एक बार दोबारा चला के दिखाओ, एक बार ₹3-4 लाख के आसपास, फिर इसमें चीज घटी भी है बड़ी भी है, एम्प जैसे हैवी हुए, बूफर हैवी हुए, बूफर भी महंगे है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अगर ओवरऑल की बात करें कि अब तक इसमें कितने पैसे लगा दिए टोटल, टोटल गाड़ी में पूरे सिस्टम में भाई? नहीं नहीं भाई, पूरी गाड़ी में, भाई गाड़ी में मेरे ख्याल से 12-13 लाख रुपए लग रहे होंगे, फिर भी भाई ऊपर ही होंगे, मैं कम ही बता रहा हूँ। कुछ भाई लोग, कुछ लोग पागल होते विश्वास में, बिल्कुल बोलते होंगे कि भाई झूठ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन एक बार मार्केट में जाएंगे तो भाई पता ही लग जाएगा। तो भाई जैसे कि भाई बता रहे हैं, अभी तक भाई ने इसमें लगभग 12-13 लाख रुपए लगा दिए। हाँ भाई, देख लो भाई, मतलब मॉडिफिकेशन का क्रेज, सीट भी भाई इसकी स्पोर्ट्स है, i20 की। अच्छा, i20 की सीट्स हैं इसकी, तो ये भी अपना पंजाब से लगवाई थी भाई, ये सब भाई पंजाब से। अच्छा अच्छा, मतलब छोटपुट काम कराया अपना दिल्ली से, जो कराया मैं सिस्टम का और अपना थोड़ा सा ये पहला जादू वाले से कराया था। हाँ हाँ, पहला जादू वाले से। तो भाई अगर एक्सपीरियंस की बात करें, मतलब कि मन खुश है पंजाब से काम करा के, या फिर मतलब कुछ है अभी ऐसा खुश? भाई एक नंबर काम है, एक नंबर काम है, एक नंबर है, वीर जी का काम, सरदार जी का एक नंबर काम है। अच्छा, बिग डैडी वाले का। अभी तक कोई अपनी ज्यादा से कुछ भी नहीं हुआ भाई गाड़ी में, एक शिकायत भी नहीं है, एक भी शिकायत नहीं है, 3-4 साल हो गए गाड़ी में, कंप्लेंट नहीं है, मतलब भाई मन संतुष्ट है पंजाब से काम करा के। मैं तो ये कहूंगा भाई, एक बार मैं भाई से कहूंगा, एक बार जलंधर जाएं बिग डैडी पे, काम जरूर कराएं एक बार कहने से, थोड़ा सा दिल्ली में भी रेट ले लें किसी से भी, किसी भी जो मॉडिफाई करता है, और फिर जलंधर के रेट ले लेंगे। तो भाई क्या रेट डिफरेंस ज्यादा था कम? बहुत 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 कम, बहुत। अगर आप दिल्ली से कराओगे ना, बहुत बहुत ज्यादा पैसे लेंगे आपसे, बहुत ज्यादा। मैं नाम तो किसी का लूंगा नहीं, हाँ। पर बहुत पैसे लेंगे वो आपसे। तो भाई देखो, अगर जाओ एक बार जलंधर और भाई ऐसी अपनी थार मॉडिफाई करा के लेके आओ, बाकी एक बार आपको दोबारा से ओवरव्यू दिखाते हैं गाड़ी का बाहर से। तो भाई ये है अपनी कुछ गाड़ी का ओवरव्यू, और अपना पूरा का पूरा डिटेल्ड में बता दिया वीडियो के अंदर भाई ने कितने पैसे लगाए, और भाई मतलब संतुष्ट है पंजाब से काम करा के। तो भाई ये थी अपनी एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।